तेलंगाना के न्यूज में आप तमाम का खैर मकदमे बढ़ते हैं। खबर की जानी मरकजी गणेश के जुलूस में देखी गई हल्की सी कशीदगी। तफसीलात के मुताबिक TRS कायद का ताल्लुक गोशा मेल इलाके से बताया गया। नंदू बिलाल ने CM हेमंत बिस्वास की तकरीर के दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की। बताया गया कि नंदू बिलाल का एहतजाज CM KCR पर किए जाने वाले तंज को लेकर था। इस मौके पर हल्की सी कशीदगी भी मौजमजई मार्केट इलाके में गणेश उत्सव समिति के प्लेटफॉर्म पर देखी गई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गणेश विसर्जन का इंतजाम भव्य रूप से किया गया है। भाजनर उत्सव समिति वाले जो स्टेज लगा रहे थे, जो प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आसाम के CM हमारे हेमंत बिस्वा जी आकर बेवजह आप किस लिए आए, आप क्यों आए, आप धर्म के प्रचार के लिए आए, गणेश भगवान के लिए बताना, जुलूस के लिए कुछ बताना, ये छोड़ के चंद्रशेखर राव के लिए अपशब्द बोलने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सके। और हमने उनसे विनती की आप यहां से चले जाइए, हमारे CM के लिए आप कुछ भी बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हादसा हुआ था, सब शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है। मैं जनता से अपील करता हूं आप शांतिपूर्वक इस जुलूस का आनंद लें और भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भी उत्सव समिति के लोग हैं उनको फिर एक बार वार्निंग देता हूं, आइंदा कोई भी तुम्हारा लीडर बाहर से आके हमारे CM के लिए गलत बात बोलेगा उसको बर्दाश्त सवाल ही नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गणेश उत्सव में एज ए चीफ गेस्ट आए, यहाँ दर्शन करना, जुलूस के लिए भाषण देना, भगवान के गणेश भगवान के लीलाओं के बारे में बोलना, पर एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री को डाली देना कहां से बनता, तुम है कौन बोलने वाले, सवाल ही नहीं बर्दाश्त करेगा। एक अलवर्ट हो गया, उनको एक आदत पड़ गई, जो दिल में आए बोल रहे CM के ऊपर, KTR के ऊपर। तुम तुम्हारा काम करो, हम भी हिंदू है, हम ब्राह्मण है, पूरा स्टेज के ऊपर आजू बाजू पूरा प्रसाद बांटे, हजारों लोगों को डोनेशन दिए, हमेशा सबको हेल्प करते, कैसा बर्दाश्त किया जाता हमारे तेलंगाना का राष्ट्रपिता CM को आप गाली दिए तो ठहर के सुनना, ये सवाल ही नहीं सुनने का, आगे आने वाले दिनों में सुनने का सवाल ही नहीं है। अरे तुम मुंह तोड़ जवाब देंगे।